प्रिय दर्शकों को शुक्ला चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और मेरे चैनल पर इतना प्यार जुटाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा विषय है हिंदी साहित्य के सूरज श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रसिद्ध निबंध संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है, ये एक विचारात्मक निबंध है जो कि दिनकर जी के एक प्रसिद्ध निबंधों में से एक है और इसमें जो अपने विचारों की श्रृंखला है उसको दिनकर जी ने शब्दों के इतने रोचक बंधन में बांधा है जिसे कि आप सुनते ही देखते ही देखते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे। लेकिन किसी भी रचनाकार के रचना को समझने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि हम उस रचनाकार के विषय में भी कुछ जाने। तो आइए जानते हैं दिनकर जी के विषय में छोटी सी बात। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनके पिता कृषक थे जिनका नाम रवि सिंह था तथा जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहावसान हो गया था, इसलिए इनका लालन पालन इनके बड़े भाई वसंत सिंह और माताजी की छत्र छाया में हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने जीवन की शुरुआत अध्यापक के रूप में की, बाद में अनेक उच्च पदों पर कार्य किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी ये बने। बाद में 24 अप्रैल 1974 को मद्रास या आज के जो चेन्नई है वहां इनका निधन हुआ। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी इनकी काव्य रचनाएं हैं। रसवंती, रामधेनु, नीलकुसुम, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी कविता संग्रह है। इन्होंने गद्य साहित्य की रचनाएं भी की हैं, जिनमें मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आंख, बेनी की फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता बहुचर्चित है। दिनकर जी की रचनाओं में सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समावेश है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जिसके तत्सम शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। वैसे तो पुरस्कार की सूची बहुत लंबी है पर हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। हाँ, तो बात चल रही थी संस्कृति क्या है। दिनकर जी की ये निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है, न सिर्फ छात्रों में तो ये प्रसिद्ध है ही, क्योंकि ये अक्सर किसी न किसी कभी न कभी समय में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम रहता है। इसके अतिरिक्त जो छात्र नहीं भी हैं, उन्हें भी ये निबंध पढ़ना बहुत पसंद है और इसीलिए ये प्रसिद्ध है। और आखिर पसंद क्यों ना हो, संस्कृति लोगों के समझने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए लोग समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है। और इस निबंध में दिनकर जी ने संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है, संस्कृति साहित्य किस तरह से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, संस्कृति किस तरह से बढ़ती है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है और खासकर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है, इस तरह से विभिन्न आयाम पर दिनकर जी ने इस एक निबंध में बहुत ही रोचक तरीके से पाठकों के सामने अपनी बात रखी है।
संस्कृति और साहित्य, ये इस निबंध का एक मूलभूत तत्व है। देखा जाए तो संस्कृति और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साहित्य संस्कृति से प्रभावित होती है और संस्कृति का एक अंश है साहित्य। कई बार साहित्य में हम किसी भी जगह के, समाज के या देश के संस्कृति को हूबहू पाते हैं। कई बार लेखक या रचनाकार अपने रंग उस साहित्य में डाल देते हैं। कई बार तो पाठकों को पसंद आए इसलिए साहित्य को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा भी जाता है, लेकिन वो कहीं भी संस्कृति के बाहर नहीं होती। और कई बार संस्कृति के साथ को, संस्कृति को यथार्थ रूप से दिखाया जाता है साहित्य में, और कई बार यथार्थ के साथ आदर्श भी जोड़ दिया जाता है। दूसरा पहलू है सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति में अंतर, ये बात भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने दिखाया है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों मिलजुल कर चलते हैं। सभ्यता जब प्रगति करती है तो संस्कृति भी करती है, संस्कृति प्रगति करती है तो सभ्यता भी करती है, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। लेकिन संस्कृति बहुत महीन चीज होती है। सभ्यता का संबंध जहां शारीरिक भौतिक तत्व से होता है, नहीं, संस्कृति का संबंध विचारों से होता है। सभ्यता कुछ हद तक हमारे शरीर से जुड़ा होता है, संस्कृति आत्मा से जुड़ी होती है। पैसा हो तो सभ्यता के साधन जुटाए जा सकते हैं। आप गाड़ियां ले लो, मकान खरीद लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा खान पान करो, ये सारी सभ्यता है। और सभ्यता तब बड़ी है जब ये सारे डिस्कवरीज जो हैं, लोगों ने नए नए खोजबीन करके सभ्यता के साधन जुटाए हैं। लेकिन संस्कृति, संस्कृति के बनने में शताब्दियां लग जाती हैं। आप गाड़ी तो खरीद रहे हैं, वो सभ्यता का अंश है, लेकिन गाड़ी आप कैसे खरीद रहे हैं, कौन से रंग का खरीद रहे हैं, गाड़ी आप कैसे चला रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ये सारी संस्कृति है। आप मकान खरीद लो जितनी चाहे, पर उस मकान पे आप रंग क्या चढ़ाओगे, उस मकान को आप सजाओगे कैसे, ये संस्कृति है। आप कपड़े बदल लो, कपड़े खरीद लो, भोजन लो, जितनी महंगी हो सके उतनी लो, ये सब सभ्यता है। लेकिन भोजन आप खाएंगे क्या, कैसे खाएंगे, कपड़े आप पहनेंगे क्या, कौन से रंग का इस्तेमाल करेंगे, कैसे पहनेंगे, ये सारी संस्कृति है। संस्कृति क्या है, इस निबंध में लेखक ने संस्कृति के लक्षण को दर्शाया है, परंतु कहीं भी उसकी परिभाषा नहीं दी है, शायद ये संभव भी नहीं। संस्कृति इतनी व्याप्त है, इतनी बड़ी चीज है, आत्मा से जुड़ी हुई है, उसको कैसे कोई परिभाषित करे। सभ्यता एक छोटी सी चीज है जिसको पैसे से खरीदा जा सकता है। आप किस हद तक अपने सभ्यता को ले जाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है, पर कहीं ना कहीं संस्कृति आप पर निर्भर नहीं है। ये सदियों से आपके समाज पर, आपके सोचने के तरीके को ये प्रभावित करती आई है, और लेखक ने इसी बात पर अधिक जोर दिया है। लेखक एक बात और भी कहती हैं कि हालांकि सभ्यता और संस्कृति एक साथ चलती है, लेकिन हर संस्कृत व्यक्ति सभ्य नहीं होता और हर सभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत भी नहीं होता। हाथ में पैसा आया, लोगों ने सभ्यता के साधन जुटा लिए, परंतु संस्कृति अर्जन करने में बहुत समय लगता है, वो समय वो कहाँ से लाए। और इसी तरह देखा जाए तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पहले जंगलों में रहा करते थे, वो तो बहुत सुसंस्कृत थे। हमारी संस्कृति की शुरुआत भी उन्होंने की थी, परंतु क्या उनके पास सभ्यता के साधन थे, नहीं। तब तो सभ्यता के इतने साधन आविष्कार भी नहीं हुए थे।
परंतु वो सुसंस्कृत थे। तो क्या अगर सभ्यता के साधन नहीं थे तो? इस निबंध का एक और आयाम है प्रकृति और संस्कृति। प्रकृति यानी वो जिसको लेकर इंसान जन्म लेता है, यानी क्रोध, घृणा, दूसरों पे दोष देना, ईर्ष्या, ये सब चीजें, ये प्रकृति का अंग है, हर इंसान में होता है। लेकिन किसकी संस्कृति कितनी अधिक सशक्त है, ये बात तय करती है कि कौन इंसान अपने प्रकृति को कितना अधिक रोक के या संभाल के रख सकता है। अगर इंसान की संस्कृति कमजोर हुई तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब उसे अपने प्रकृति पर रोक लगानी है। उसके ईर्ष्या की भावना, उसके क्रोध की भावना, जो उसके अंदर तरह तरह के जो बुरे भावना है, जो कि पशु से उसका उसके उसके पशुता के जो करीब लेकर जाता है, उससे कब उसको रोक लगानी है वो समझ नहीं पाएगा। तो संस्कृति ही वो है जो तय करती है कि इंसान को प्रकृति के किस हालात पे आकर खुद पे रोक लगानी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता। यानी संस्कृति वही है जो इंसान को पशु से अलग करती है, उससे समझाती है कि मेरे प्रकृति ये है तो है, इसको लेकर तो मैं जन्मी हूं, लेकिन इस प्रकृति पर मुझे इस वक्त रोक लगानी चाहिए। जिस तरह संस्कृति और प्रकृति का संबंध है, उसी तरह संस्कृति और सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे थे, का अंतर को लेखक ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। वो ये कि सभ्यता आती रहती है, जाती रहती है। बड़ी बड़ी सभ्यता आई इस दुनिया में और नष्ट हो गई। सभ्यता का विनाश होना उतना ही जल्दी में हो सकता है जितनी कि वो गढ़ती है, लेकिन संस्कृति आसानी से विनाश नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृतियां बनने में सदियों लग जाती है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि शायद यही वजह है कि हमारी भारतीय संस्कृति ने हमारे भारत को बचाए रखा। कितने मसले आए गए, कितनी सभ्यता आई गई, कितनों ने चाहा भारत को विनाश करना, पर कुछ बात है जो मिटती नहीं, हस्ती हमारी, और वो बात और कुछ नहीं, भारतीय संस्कृति है। संस्कृति के साथ एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा है और वो है संस्कार। कहा जाता है कि जिसका जैसा संस्कार है, एक वो संस्कार ही जो है जो इंसान के साथ जाता है, बाकी सब कुछ तो यहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो सभ्यता हो या कुछ और। लेकिन संस्कृति और संस्कार एक साथ रह जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुनर्जन्म होता है वो कई हद तक संस्कार तय करता है। संस्कार दरअसल आत्मा का गुण है जो कि हमारे साथ आता है और हमारे साथ जाता है। संस्कार मरता नहीं है, ये आत्मा की तरह अचर है, अमर है। एक और अहम भाव जो लेखक ने कहा है, ये अंतिम भाग की तरह है, अंतिम की हम निबंध के अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति बढ़ती कैसे है। संस्कृति दरअसल संस्कृति के बढ़ने का एक ही रास्ता है, वो है आदान प्रदान। एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति का आदान प्रदान, चाहे वो मित्रता हो, व्यवसाय हो, शत्रुता हो, जैसा भी हो, जब भी एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ मित्रता करती है या आक्रमण करती है और वहाँ आकर बस जाती है, या फिर व्यवसाय चलता है, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान से एक नई संस्कृति फूट पड़ती है और इस तरह से नई संस्कृति का जन्म होता है, और इस तरह से नई संस्कृति बढ़ती है, पुरानी संस्कृति को साथ लेकर चलती है। उनमें से कुछ चीज़ें जो कि नए युग में और ज़रूरत जिसकी नहीं पड़ती है वो छूट जाती है, लेकिन नई चीज़ें जुड़ जाती हैं जो संस्कृति सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं जानती। उस संस्कृति का कभी भी आप व्यापकता में पहुंचते हुए नहीं देख सकते। यानी
वो संस्कृति कुपमंडूक की तरह हो जाती है कि वो किसी से कुछ लेना नहीं चाहती, वो सबको देना चाहती है। लेकिन अगर लेगी नहीं तो देगी क्या, और अगर देती ही रही तो वो संस्कृति कभी ना कभी खत्म होगी ही। इसीलिए संस्कृत मेलजोल से बढ़ती है, आदान प्रदान से बढ़ती है, और यही एक वजह है जो भारतीय संस्कृति इतनी सशक्त संस्कृति है, क्योंकि इसने शताब्दियों से दूसरी संस्कृतियों से लिया है और दूसरी संस्कृति को दिया है। इस आदान प्रदान ने भारतीय संस्कृति की, अब हम आते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता, ये है उसकी विशेषता कि वो हर संस्कृति से ले सकती है, चाहे वो मुसलमान समाज हो, चाहे वो दूसरे समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, लोग आते गए, बसते गए, आदान प्रदान होता गया और संस्कृति बढ़ती गई, और भारतीय संस्कृति इसीलिए आज इतनी विशाल संस्कृति है। इसमें ये बहुत शक्तिशाली संस्कृति है, ये किसी को भी अपने अंदर ले सकती है, परंतु ये दे भी सकती है। इसने हर एक को प्रभावित किया, चाहे वो भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, इसने हर संस्कृति को प्रभावित किया, और यही है उसके शक्ति का राज, जो कि बार बार कई लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से, बहुत गूढ़ विषय में जाकर, बहुत कठिन कठिन भाषा में समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है भारतीय संस्कृति में कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। बात यही है, भारतीय संस्कृति लेना जानती है, देना भी जानती है। हाँ, एक और बात भी है कि जब कोई संस्कृति बहुत सशक्त हो जाती है, जैसे कि भारतीय संस्कृति, वो दूसरे संस्कृतियों को अपने आप प्रभावित करने कर देती है, तभी है ये है कि भारतीय मुसलमान जो है वो दूसरे देश के मुसलमानों से अलग सोचता है, भारतीय क्रिश्चियन जो है वो दूसरे देशों के क्रिश्चियन से अलग सोचता है। हर देश की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, हर लोग संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं, और यही बात है जो लेखक ने घुमा फिरा कर बार बार अपने इस निबंध में कहा है, बहुत रोचक ढंग से कहा है। अब मैं एक और बात पे इसलिए आना चाहूँगी क्योंकि ये निबंध जो दिनकर जी की है, ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, ये सालों से पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा है, और जहाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा है तो भाषा और शैली को लेकर दो बात करना बनता है। दिनकर जी की भाषा बहुत सरल है, रोचक है, ये एक अद्भुत आयाम है दिनकर जी के निबंध लेखन का, कि उनसे पहले लोग निबंध लेखन को बहुत नीरस समझते थे, पर दिनकर जी ने निबंध लेखन को रोचक बनाया, उसमें सरलता लाए और उसको साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सुंदर और मधुर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उदाहरण भी कुछ इस तरह से दिया कि जब वो बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति के अंतर की, तब देखिए उदाहरण कितना सुंदर वो लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे में कुछ यूँ समाए हैं जैसे दूध में मक्खन, फूल में खुशबू। हर कोई सुनने वाला, पढ़ने वाला झट से समझ जाता है कि लेखक आखिर कहना क्या चाहते हैं। जितना हो सके पाठ के विषय में मैंने आपको बताया, पर मेरी सब आप सबसे अनुरोध है कि इस पाठ को आप एक बार खुद पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं कि दिनकर जी कितने महान निबंधकार थे और कितनी बड़ी गूढ़ बातों को, कठिन बातों को कितनी सरसता से, रोचकता से वो अपने निबंध पर लिखा करते थे। आप जब भी मौका मिले इस पाठ को एक बार पढ़िएगा जरूर। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।